पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ कोरिया जिले के नगर चिरमिरी में एटक श्रमिक संघ द्वारा SCCL चिरमिरी क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 10 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और प्रबंधक को विभिन्न इकाइयों के श्रमिक हितेशी मांगों को लेकर संयुक्त कोयला खदान मजदूर संघ एटक के सदस्यों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा ने एटक के केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अजय विश्वकर्मा ने कहा, केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों को बर्बाद करने में उतारू है। केंद्र सरकार की नीति ऐसी है कि आने वाले कुछ वर्षों में इस देश में सिर्फ उद्योगपति और उनके उद्योगों में गुलाम की तरह श्रमिक काम करेंगे। एटक श्रमिक संघ के चिरमिरी क्षेत्र के सचिव लिंगराज नायक ने कहा कि प्रबंधक की लापरवाही से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिस पर प्रबंधक का ध्यान नहीं जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा समाप्त होते ही उनके आवासों को खाली कराने की प्रक्रिया प्रबंधक द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। वही क्षेत्र में आवासों में पानी नहीं है, खदानों में सुलभ की व्यवस्था नहीं है, स्कूली बच्चों के लिए आने जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्कूली बस नहीं है, क्षेत्र में हो रहे कोयला खदान बंद हो रही है और बच्चे कर्मचारियों का विभागीय पदोन्नति पर भी प्रबंधक का रवैया संतोषप्रद नहीं है। इन सब बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए श्रमिक संघ श्रमिकों की मांग को लेकर जमकर हल्ला बोला और श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए प्रबंधक पर दबाव बनाया। जब ये सरकार आई थी तो पहला प्रस्ताव यही दिया था कि 44 कानून को बदल के 3 कानून बनाया जाए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ये प्रस्ताव था। लेकिन ट्रेड यूनियन तब तक, जब तक यहां से कोयले का आखिरी टुकड़ा नहीं निकल जाता है तब तक चिरमिरी चलेगा, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और बाकी सब बातें हैं, मैं सोच जो इंप्लॉई है वही उसका पदाधिकारी रहेगा, तो आप समझ सकते हैं पदाधिकारी जो कर्मचारी है वही पदाधिकारी अगर रहेगा तो सरकार